ना वो खाओ जो खाते हुए अच्छा ना लगे खाने के बाद अच्छा लगे आ, आपके लिए सैलेड आता है आप वो चेंज कर रहे हो अपनी हाँ, अपनी लाइफस्टाइल को हाँ, कि ये बहुत अच्छी बात है मेंटल पीस इज अ लग्जरी फॉर मी बिकॉज बिकॉज ऑफ द प्रेशर दैट वी फेस एवरी डे ठीक कौन चिकनी चमेली में कटरीना दी यार oh, अच्छा अच्छा, अच्छा सॉरी चिकनी चमेली सॉरी भाभी भाभी पिंटोला पीनट बटर प्रेजेंट्स

ओके फीलिंग लाइटर आल्सो आई एम श्योर एक्स्ट्रा वेट जो है पिछले दो सालों में शेड, किया, है आपने जी. तो ये जर्नी जो आपने एम्बाक की है फिटनेस की क्या लगता है ये ज्यादा दिनों तक तो टिका रहेगा <laughs> 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 या कितने दिन तक टिके रह सकते हैं आप एक डाइट के साथ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैं नॉर्मली अपने आप से भी करता रहता हूँ बट अभी इट्स मोर अबाउट बींगी वेट लूज करने के बहुत सारे रीजंस थे बहुत सारे नहीं मतलब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस थे मतलब so reason, way, hmm. कि माय जॉब रिक्वायर्स मी टू परफॉर्म ऑन स्टेज फॉर एटलीस्ट हंड्रेड एंड ट्वेंटी मिनट्स मतलब आई हैव टू बी एक्टिव सो दैट इज़ आल्सो अ रीज़न एंड आल्सो वे मतलब मेरा कार्डियो भी वही हो जाता है बट बीच uh, में जब लॉकडाउन uh, हुआ जब हमने शोज़ नहीं किया और उसके बाद जब एकदम से शोज़ खुले और जब हम स्टेज पे गए तो मुझे रियलाइज हुआ कि आ, भाई स्टेमिना ही, नहीं स्टेमिना ही नहीं है हाँ स्टेमिना ही नहीं है पंद्रह मिनट में सांस फूल जाती थी एंड एज अ परफॉर्मर आई हैव टू बी मुझे अपना बेस्ट देना है तो वो एक बहुत बड़ा हाँ हा, रीजन भी था और दूसरा रीज़न था कि आई सफर फ्राम स्लीप एपनिया फिर वो धीरे धीरे बढ़ गया जो कि बहुत डेंजरस है जो लोग शायद नहीं जानते उनको

क्योंकि मैं देखती हूँ अब सेट्स पे कि आप अवेयरनेस के साथ खा रहे हैं जी, आ, आपके लिए सैलड आता है जी, आप वो चेंज कर रहे हो अपनी लाइफस्टाइल हाँ, स्टाइल को हाँ, कि ये बहुत अच्छी बात है अवेयरनेस में जीना बहुत अच्छी बात है बट नाउ कमिंग टू ब्रेकफास्ट आई नो दैट यू मस्ट बी ईटिंग नो कॉम्प्रोमाइज ब्रेकफेस्ट तो क्या मतलब सुबह उठ के आप पराठे शराठे खाते हो लस्सी वस्सी के साथ मैं पहले ना एकदम से अपने आप को स्टाफ करना शुरू हो जाता था जो मैं पहले करता था जिसकी वजह से मेरा वेट बहुत पुट ऑन भी हुआ था और इस पर मैं आऊंगा लॉर्ड ऑफ क्रेडिट टू यू कि क्रेडिटी लाइफ स्टाइल क्यों जी रहा हूँ जैसे शूट हो रही है ठीक है अब शूट से 10-15 दिन पहले शुरू किया और अब एक बस मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए कि बस ऐसा सा देखूँ बट अभी ना मैंने क्या किया अभी अपना मन मारना बंद कर दिया अब मैं खाऊंगा लेकिन मैं उतना ही खाऊंगा जितने के बाद मुझे ना गंदा ना लगे और ना मेरे पापा एक चीज बोलते हैं हमेशा खाना वो खाओ जो खाते हुए अच्छा ना लगे खाने के बाद अच्छा लगे क्या बात बोली एंड अब मुझे रियलाइज होता है उसका मतलब क्या है कि जो भी मैं जैसे पालक पनीर ये बटर नान वगैरह खाता था वो खाते हुए ऑल्सो जो तो प्रोफेशन हमारा है हमारी ईटिंग हैबिट्स बहुत गंदे हैं टाइमली नहीं खाना बट अभी कहने को सैलेड है बट अभी And I think कोई भी इंसान जो ये वेट लूज करना चाहता है इट इज अटाइल बिल्कुल मत बहुत सारे लोग स्ट्रेस को कॉम्बैट करने के लिए या तो स्ट्रेस ईटिंग करते हैं या तो स्टाफ करना शुरू कर देते हैं हुँ. तो आप किस रस्ते चले मैं ईटिंग मतलब मुझे ऐसा लगता था कि हर चीज की जस्टिफिकेशन है खाना और जो की सबसे बड़ी बेवकूफी है आई थिंक इट्स अ साइन ऑफ वीकनेस बट मैं किसी को किसी पर थोपना भी नहीं चाहता कि यू आर वीक अगर आप बहुत ज्यादा खा रहे हो बट आई थिंक यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग टू टेक कंट्रोल ऑफ यूर लाइफ जब आप वो कर लोगे तो आप सब चीज़ सुधार सकते हो बट इट्स आई थिंक इट्स ईजिएन बिकॉज जिस तरह के माहौल में हम रह रहे हैं वी वी आर सपोज टू बी लिविंग इन कट थ्रो इट इंडस्ट्री बट आज कल हर इंडस्ट्री बहुत कट थ्रोकुल बट इवेंचुअली यू नीड टू रियलाइज़ज़ दैट यू हैव टू टेक योर लाइफ इन योर ओन हैंड्स इट्स अप टू यू हाई टू लिव इटैक्ट एंड मैं ऐसा बनता हूँ मैं ना इंस्पिरेशन ढूंढ लेता हूँ कहीं से भी आई डोंट नो इफ इट विल भी हियर रखेंगे या नहीं रखेंगे बट बट यू बिन थ्रू एंड आफ्टर ऑल दैट ऑल्सो यू मैनेज टू पुट अ स्माइल ऑन योर फेस एंड नॉट आप सिर्फ रखते नहीं हो यू लिव इट एंड मतलब ये मेरे लिए इंस्परेशन है We all go through ups and downs, है ना बादशाह yeah. में कुछ भी नहीं होता ना दुख yeah. ना खुशी खुशीक्टलीट एंड क्लीन यू थिंक एंड ग्रेटिट्यूड फॉर फूड मैं अच्छा एक मैं ये भी चीज कहना चाहता हूँ आप गंदा खा रहे हो फॉर एग्जाम्पल गंदा गंदा इज हाँ या फैट या, या, या जो, जो भी ऑयली खा रहे हो तो जब एटलीस्ट उसको खा रहे हो तो ना उसको इंजॉय करो फिर <laughs> फिर उसको खा के ना आप ये मत हाँ, मतलब uh, well. अगर आप इफ़ यू यू नॉट नॉट थिंकिंग राइट राइट विल डू अगर आप ठीक सोच रहे हैं तो आप ठीक भी खाएंगे क्लीशे चीजें लेकिन यही सच है यही है मतलब अगर आप अच्छा सोचोगे तो भी अच्छा कर पाओगे कुछ बिल्कुल अब ये बताओ मुझे कि आपके लिए क्या है पतला होना कितना जरूरी है मुझे ना लगता था कि पतला होना बहुत जरूरी है जब तक मैंने लोगों को मेंशन नहीं किया कि यार मैं पतला होना चाहता हूँ फिर मुझे पता है क्या रिएक्शन मिला अरे आप ऐसे अच्छे तो लगते हो <laughs> अब वो मुझे नहीं पता कि वो लोगों का प्यार है या क्या है बट सी मुझे इतना पता चल गया है कि आउट ऑफ इनसिक्योरिटी अगर आप कुछ भी करोगे ना तो उसका कोई फायदा नहीं है बिल्कुल एंड वन वी टॉक अबाउट क्योंकि शो का नाम है शेप ऑफ यू इज नॉट ने टिंग अबाउट योर फिजिकल शेपो टॉक यूर मेंटली अच्छे शेप में है ऑटोमेटिकली योर फिजिकल शेप विल यू एंड एन ऑल तो मेंटली फिट रहना आपके लिए कितना जरूरी मेरी प्रायोरिटी है लाइफ की मेंटली फिट मेंटल पीस इज अ लग्जरी फॉर मी बिकॉज बिकॉज ऑफ द प्रेशर दैट वी फेस एवरी डे आई है um, the darkest times when it comes to my mental health. I have been through clinical depression. I have been to through severe anxiety disorder. तो मुझे तो पता है वहाँ नहीं जाना और वहाँ ना जाने के लिए मेरा मैं you have to be selfish in a good way. Yeah. You have to live with people who make you happy. You have to learn to say no. You have to learn to say yes. You have to be happy. हम बहुत सारे प्रेशर के अंदर जीते हैं हमने खुद ही इतनी भसड़ मचा रखी है लाइफ में हमने खुद ही इतना रायता फैला रखा है लाइफ में और फिर हम कंप्लेन करते हैं कि हम मेंटली फिट नहीं है आपको ऑर्गेनाइज करनी है चीज़ें यू हैव टू कीप योर लव्ड वंस नियर यू एंड दैट्स इट अच्छा हमने बहुत भारी भरकम चीजों के बारे में बात कर ली हाँ, थोड़ा में मतलब। सा लाइट <laughs> <laughs> तो और, और या सा मेरे टैलेंट के बारे में तो अब एक प्रोनाउंसिएशन गेम खेलेंगे ठीक है हाँ तो ये एक खाने की चीज वस्तु है तो ये है हाँ। और आपको हाँ। बताना है इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं ओके आई टेक अ मेरी जितनी भी इंग्लिश मैंने लाइफ में, में सीखी वो सब यहाँ अप्लाई करूँगा कुलिस किसको कौन सी कूली को बुला रहे हो कितने कूली ये ये होता होता क्या पहले तो ये बताओ अरे यार वो जो के में डालते हैं या किसी मतलब है मैंने कुछ हेल्थी डिशेस ऑर्डर किए हैं जोटो hmm. से okay. और uh, मैं covers को खोलूंगी और आपको फिर सवाल का जवाब देना है जब मैं आपको पूछूंगी न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में ठीक oh है God, तो आपको हायर okay. है या लोअर है ऐसे जवाब देना है समझ All right? समझ गया Let's आने दो किले तो पहला डिश है वन चपाती विद बीन्स की सब्जी मुझे hmm. पता है भूख लगी है खाना मत इज दिस हायर और लोअर देन 120 कैलोरीज इट इज डेफिनेटली हायर गलत जवाब क्यों इट्स लोअर जस्ट 65 कैलोरीज तो ये खा के बनेगा क्या किसी का <laughs> 250 ग्राम्स ऑफ स्लो रोस्टेड तंदूरी चिकन

अब हाँ थोड़ा सा मूवमेंट कराते हैं आपसे okay, okay, हाँ थोड़ा सा कार्डियो okay. तो चलते हैं हमारे फिट इज फैब स्टूडियो की तरफ okay. उठ जाइए सो वेलकम टू माई फिट इज फैब स्टूडियो बादशाह एंड दिस इज माई फिल्मी मिर्ची व्हील जिसे हम स्पिन करेंगे और जहाँ पे भी ये रुकेगा जी. वहाँ पे एक चैलेंज होगा okay. उसके बारे में हम बाद में वार्तालाप करेंगे okay. चलो देखते हैं क्या चैलेंज है ये आहा मेक योर ओन प्लेलिस्ट ओ माय गॉड तो इस चैलेंज में मुझे भी हिस्सा लेना पड़ेगा ओके सो वॉइस ओवर विल टेल अस पेपी बॉलीवुड सॉन्ग्स एंड वी हैव टू ऐड इट टू आ प्लेलिस्ट बाय डूइंग द करेक्ट हुक स्टेप एंड द पर्सन हु करेक्ट हुक स्टेप फर्स्ट एड द सॉन्ग टू द्ले लिस्ट द पर्सन विद

ये तो भाई सरासर नाइंसाफी है आ ये तो सीधा-सीधा नाइंसाफी है ओके नेक्स्ट नेक्स्ट एक पल का जीना yeah, this, या हाउ कैन आई नॉट रिमेंबर दिस यार थैंक यू ऋतिक आई लव यू ओके चल या या कातबोला मर जाऊंगा मेरी टांगे टंगल हो जाएगी ओके ओके ये जीते आ फिर किसी डिस्को में जा ये भी है ना नहीं नहीं अच्छा ओह शिट डिस्को में जाए आ आ शिट सॉरी ऐसा ही है ना कुछ डोला रे डोला चिकनी चमेली ये ये नहीं ए, ये। आए यार हाँ। नहीं ये हां। नहीं था ऐसे ऐसे नहीं कर रहा था ठीक कौन चिकनी चमेली में कटरीना जी यार अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी चिकनी चमेली सॉरी भाभी विक्की भाजी कशीना <laughs> भाभी ओके ओके पंजाब में सब भाभी हो गई हां हां डिस्को दीवाने डिस्को दीवाने हाँ 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 यही है ना तो दो मेरे को पॉइंट हो गया ये तो मेरा मतलब खुलेआम चीटिंग हो रही है खुलेआम चीटिंग नहीं है ये चले चले अभी देसी गर्ल ये तो करता हूँ मैं अच्छा भी नहीं लगूंगा हाँ मैं जीत गई टू मच आना चाहिए ये कुछ है आपके लिए ये है ji thank you khane ki cheeze Healthy, peanut butter Haan, pink peanutola peanut butter mm -hmm. and uh, you you're gonna love this and we loved having you on the show thank you so much thank you thank and you and we love the shape of you thank you hi guys hope you're enjoying my show and do remember to comment on this episode and if you never want to miss an update do subscribe to Filmy mirchi and hit the bell icon हां ये शो जो है वो रेडियो पर भी आता है ऑन दीज फ्रीक्वेंसीज एंड इफ यू विश टू एनहांस द शेप ऑफ यू बी शॉर्ट डाउनलोड द सिंपल सोल फुल एप बाय शिल्पा शेटी फ्रॉम द डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो इट्स अवेलेबल ऑन एंड्रॉयड एंड आईओ एस तब तक के लिए स्वस्थ रहो मस्त रहो आडियोस